रोहतक जिले के सांपला में स्थित दीन बंधु चौधरी छोटू राम संग्रहालय व सिरसाली तालाब की गंदगी को साफ करने के लिए युवाओं की टीम बीड़ा उठा रही है। प्रशासन व नगरपालिका की उदासीनता के चलते सौंदर्यकरण को ग्रहण लगा हुआ है। जन प्रयास सेवा समिति के युवा श्रमदान से पीछे नहीं हट रहे। गंदगी फैलाती बदबू से कस्बा वासियों को निजात दिलाने के लिए युवा संगठन अपना समय निकाल कर इसकी सफाई में जुटे हुए हैं। समिति सदस्य सुंदर सिंह ने बताया कि तालाब के गंदे पानी की निकासी के साथ साथ उगी घास फूस व झाड़ियों की भी सफाई की जा रही है। प्रशासन व नगरपालिका के चलते तालाब अपना अस्तित्व खोता दिखाई दे रहा है। बदबू इतनी तेज है कि मंदिर व संग्रहालय में आने वाले लोगों को नाक बंद कर गुजरना पड़ता है। कागजों में सिमट कर रह गया ये सौंदर्यकरण। संग्रहालय व मंदिर के बीच बना तालाब बिना रख रखाव के चलते अपना सौंदर्यकरण खोता जा रहा है। अब जब किसी भी शासन प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली तो युवाओं ने इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है और अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि उनका कहना है कि तालाब की सफाई होने के बाद उसमें दुल्हेरा माइनसर पानी भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन से सफाई की मदद मांगी गई थी लेकिन कोई सहयोग नहीं मिल रहा, बल्कि अधिकारी टालम टोल करने में लगे हुए। हम भैया एक हफ्ते से हाल हो गए हुए हैं सफाई में। क्या प्रशासन ने आपको कोई सहयोग नहीं करा है? प्रशासन ने इसमें तेल का और ट्रैक्टर का सहयोग कराया है, बाकी उन्होंने सफाई का वादा करा था भाई इसको हम जो अड़ंगा इसमें उसको बाहर निकलवा देंगे, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकलवा रहे, मना कर रहे हैं। वो सफाई कर्मचारी अपराध थे, दिन में 100 बार चले जाते हैं। नगर पालिका के किस अधिकारी से मिले थे और क्या क्या सहयोग हुआ है और क्या नहीं हो रहा है? एमई से, सेक्रेटरी से, बीआई से मिले, दो सब यहाँ मौका देकर डालिए। बीआई यहाँ काम करके बता के गए, उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया, ये प्रशासन का हाल है। नगर पालिका द्वारा कितने आदमी की टीम लगाई गई है? नगर पालिका के यहाँ पे एक आध बारह देख कर जाते हैं, बाकी समिति के है जो उसी समिति या इसको करवा रही है। कौन सी समिति और कितने आदमियों की टीम है? समिति सेवा समिति के सदस्य हैं और गांव के युवा साथी बुजुर्ग सब यहाँ पर श्रमदान करते हैं और ये काम श्रमदान में और नगर पालिका के तेल और उसके सहयोग से शुरू किया था, लेकिन अब प्रशासन का हमें सहयोग नहीं मिल रहा। अब ये जो हाथों का काम यहाँ पर हो गया है लेकिन मशीनों का काम बच गया, इसमें हमें शासन से प्रशासन से सरकार से दूर रहे ताकि ये जो हमने सफाई करी ये अड़ंगा जो है बाहर निकल जाए और ये प्राचीन तालाब हमारा है। मेरा नाम मास्टर हूँ मैं दिल्ली में। मास्टर जी कहाँ से प्रेरणा मिली, क्या दिमाग में आया आपने जो ये संग्रहालय में जो तालाब है इसकी सफाई की? जी हम यहाँ घूमने के लिए भी आते थे और हमारी धरोहर है, भगवान मानते हैं छोटूराम को, तो हमारी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। हम वैसे भी यहाँ पे आते थे तो एक दिन मैं आया हुआ था, फरवरी महीने की बात है, तो एक फैमिली आई हुई थी और थोड़ा सा मुझे भी वो ऐसे लगे जैसे बाहर के फॉरनर हैं, लेकिन पाकिस्तान से आए हुए थे। उन्होंने सिर्फ उन्होंने ये बताया कि भाई हम संग्रहालय देखने के लिए आए थे छोटूराम की, जो संसार की सबसे बड़ी मूर्ति जिसका उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया था उसको देखने के लिए आए थे, और जब उन्होंने यहाँ देखा तो उन्होंने देखा भाई छतें भी टूटी हुई हैं, संग्रहालय की झील है वो बिल्कुल सड़ी गंदी हालत में है, तो बोले कि भाई तुम्हारे एक छोटूराम की धरोहर तुमसे नहीं संभाली जा रही, अगर पाकिस्तान में होते तो होता ही है तो हम इसको चमका देते। वहाँ थोड़ा सा बेइज्जती भी महसूस हुई और दिमाग में ये आया कि भाई इसको तो किसी भी सूरत में हमने ठानना है, करना है। फिर फरवरी की ये बात थी, मार्च में थोड़ा सा सेकंड वेव का मामला आ गया, मार्च अप्रैल ऐसे ही निकल गया। फिर बाद में जो है समिति है सांपला की जन प्रयास सेवा समिति और एक जो पार्षद हैं हमारे वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने उनको भी मैंने कहा तो उन्होंने हाथों हाथ उस प्रस्ताव को लिया, अब भाई हाँ ये होना चाहिए पानी निकलवाया। फिर गांव वालों ने भी बहुत मदद की, इवन काम करने के लिए कमाए, लेकिन जो आते जाते देख रहे थे उनके मन में भावना थी भाई अच्छा काम करें, उससे भी हमें प्रेरणा मिली और ये साफ सफाई हमने करवा दी। अब बारिश का मौसम हम सरकार से चाहते हैं कुछ मशीन वगैरह लगा के जो गाद 6 फुट कम से कम 6 फुट गाद होगी उसको निकाले, और हम ये वादा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं प्रशासन को अगर एक बार सफाई होगी तो हम इस झील को आगे खराब नहीं होने देंगे। और मोदी ने भी एक नारा दिया है कि जो गांव के देहात के जो जोड़ हैं वो जोड़ नहीं है, वो तालाब नहीं है, वो जल मंदिर। तो ये प्रशासन ने भी कोई सहयोग किया है या अभी तक कुछ नहीं? प्रशासन की ओर से नकारात्मक ही रहा रवैया, वैसे तेल की जहाँ तक बात है तेल उन्होंने दिया, लेकिन उनकी यही सोच थी कि हम जाते वहाँ भाई जाते तो सोचते कि भाई 2 दिन आएंगे 4 दिन आएंगे, खुद दराती कस्सी लेके कहाँ तक घर में जो
एक डीकरा नहीं उठाते तो वो कैसे क्या काम कर देंगे। तो उन्होंने शुरू शुरू में ऐसे लिया कि ये दो तीन दिन थक्के भाग जाएंगे, लेकिन हमने तकरीबन 15 दिन हो गए यहाँ पे जो है, चार पाँच दो जितने भी हम आते हैं हम लगे रहे। और हम प्रशासन से यह भी अपील करते हैं भाई, अब इसको संभालो, इस धरोहर को संभालो। राजनीति की बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस इनेलो कोई भी आओ इसको करो। ये सापला में, ये सापला का संग्रहालय और चेयरमैन भी है जो नगर पालिका का, वो भी सापला का, क्या उन्होंने यहाँ पे कभी नहीं अपनी जिम्मेदारी समझी? एक दिन आए थे बस, वही है, सभी वो सोच रहे थे कि भाई भाग जाएंगे, एक दिन दो दिन चार दिन करेंगे, भाग जाएंगे, फिर आएंगे नहीं, कहाँ मुँह छुपाएंगे। अब तन के सीना खड़े हैं हम, क्योंकि मुँह छुपाने का हमने कोई काम नहीं किया, हमने साफ सफाई वो आप भी देख सकते हो हमने कर ली। तो अब यही अपील है प्रशासन से, शासन से, कि वो इस धरोहर को संभाले, और बाद में जो है हम इसका रखरखाव अपने खर्चे पे भी, गांव वालों के खर्चे पे, जो भी होता होगा हम उसको